आज की वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी लेंगे जो खाने में हमारे स्वाद तो ऐड करता ही करता है, इसके अलावा अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये पौधा आपकी मदद कर सकता है। पूरी इन्फॉर्मेशन हम सीखेंगे इस पौधे के बारे में, तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। दोस्तों, काली मिर्च का पौधा जो है वो ट्रॉपिकल एरिया का पौधा होता है। ट्रॉपिकल एरिया से मेरा मतलब है जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ना जाए कम और गर्मियों में भी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना रहे। ऐसी जगह पर ये पौधा उगाने में बहुत आसानी होती है। हमारे यहाँ पर ये साउथ इंडिया में पौधा मिलता है। मेरे पिछले वीडियो में दोस्तों, जहाँ पर हम लोग मुन्नार गए थे, आपको मैं मुन्नार लेके गया था जहाँ पर हमने इलायची का पौधा उगाना सीखा था, उस वीडियो में मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी जहाँ पर हमने काली मिर्च का पौधा लगा हुआ देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का डाल दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, काली मिर्च को घर में उगाने के दो तरीके होते हैं। आप इसको सीड से भी उगा सकते हैं और इसको कटिंग से भी उगाया जाता है। आज हम इसको सीड से उगाना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप काली मिर्च घर में उगाना चाहते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि आप किस तरह के बीजों का चुनाव करें ताकि आपके पौधे उग जाएं। तो दो तरह की काली मिर्च मिलती है मार्केट में, एक तो होती है सफ़ेद वाली मिर्च और दूसरी होती है नॉर्मल काली मिर्च। तो जो सफ़ेद सी आपको मिर्च दिख रही है, इसके दानों को उबलते हुए पानी में डाला जाता है, उसके बाद इस बीज को सुखा लिया जाता है, उसके बाद ये सफ़ेद मिर्च से काली मिर्च इस तरह से बनती है। तो घर में अगर आपने बीज से काली मिर्च उगानी है तो हमेशा सफ़ेद वाली काली मिर्च लेंगे हम लोग। जो सफ़ेद वाली मिर्च मिलती हैं ये भी मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो जो केरला के लोग हैं जो काली मिर्च की खेती करते हैं, वो लोग इसे कटिंग से उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कटिंग से या ग्राफ्टिंग से। और लेकिन इसे सीड से भी उगाना इम्पॉसिबल नहीं है, सीड से भी आप इसे उगा कर देख सकते हैं अगर आपको सही मेथड पता हो तो। तो सबसे पहले हमने एक ग्लास में पानी भर लिया है, इसके बाद हम ये सफ़ेद जो मिर्च हमने ली है इसके बीजों को निकाल करके पानी के अंदर डुबोएंगे। तो यहाँ पर एक ग्लास हमने पानी ले लिया दोस्तों, उसके अंदर जो सफ़ेद मिर्च के बीज हैं वो हम लोग इसमें डाल देंगे। आप थोड़े ज़्यादा बीज लीजिए ताकि ज़्यादा हमारी पॉसिबिलिटी हो पाए पौधा बनने की। इसके बाद बीज पानी में डालने के बाद आप देखेंगे कुछ बीज तो तैर के पानी के ऊपर आ जाते हैं और कुछ बीज नीचे बैठ जाते हैं। तो जो बीज पानी के ऊपर तैर के आ गए हैं उनको आप निकाल करके फेंक दीजिए, क्योंकि वो सीड्स जो हैं वो उगने नहीं वाले। जो भी सीड्स नीचे पानी के बैठे हुए वही वायबल होते हैं, वही जर्मिनेट होंगे, ऊपर वाले सीड्स नहीं उगेंगे, तो उन्हें आप निकाल के फेंक दीजिए। इसके बाद दोस्तों, हम लोग सिरका लेंगे, 2 से 3 चम्मच सिरका हम लोग उसी पानी में मिला देंगे जिसके अंदर हमने सीड्स को भिगो के रखा हुआ था। और हम लोग यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी मिक्सचर में हम लोग सीड्स को भीगे हुए छोड़ देंगे ओवरनाइट और अगले दिन हम लोग इनको मिट्टी में लगाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को स्कारिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर जो सीड्स की आउटर लेयर होती है वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, जिससे सीड्स को जर्मिनेशन होने में आसानी मिलती है। 8 घंटे के बाद दोस्तों, हम लोग सीड्स को पानी और जो विनेगर का मिक्सचर में हमने भिगोया हुआ था उसमें से निकाल लेंगे इसको, और इसके बाद हम लोग इसे मिट्टी में लगाएंगे। तो आपने किस तरह की मिट्टी लेनी है इन बीज को लगाने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए, 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसके अंदर 50% कोकोपीट मिला लीजिए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट अपनी गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन गार्डन सॉइल आपकी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। बिल्कुल आप इसे चिकनी मिट्टी में मत लगाइएगा, चिकनी मिट्टी में बीज अच्छी तरह जर्मिनेट नहीं होते। तो थोड़ी थोड़ी स्पेस देते हुए हम लोग काफ़ी सारे बीज लगा देंगे। अगर आपका गमला छोटा है तो आप 2 गमले भी ले सकते हैं, 2 से 3 गमलों में भी बीज को लगा सकते हैं ताकि हमें जर्मिनेशन रेट अच्छा मिल पाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने एक बीज लगाया तो एक ही जर्मिनेट हो जाएगा, सारे बीज जर्मिनेट हो जाएँ, कुछ ही सीड्स जर्मिनेट होते हैं। तो हमेशा थोड़े ज़्यादा सीड्स लगाइए। और सीड्स को लगाने के बाद मिट्टी से हम लोग कवर कर देंगे जो भी हमने बीज लगाए हैं गमले के अंदर। इसके बाद दोस्तों, हम अच्छी तरह से स्प्रे की मदद से पानी दे देंगे। कभी भी आप सीड्स को लगाने के बाद उसे डायरेक्ट जो है पाइप से या मग से पानी उसमें मत डालिए, वरना सीड्स जो हैं बाहर निकल जाते हैं मिट्टी से और फिर वो सीड्स आपके अच्छी तरह से उगेंगे नहीं। और अब इस गमले को हम लोग छाया वाली जगह पर अपने घर में रख देंगे, डायरेक्ट इसे सनलाइट में आपने नहीं रखना। इसके अलावा दोस्तों, काली मिर्च के सीड्स जो हैं वो 30 से 40 दिन का टाइम भी ले सकते हैं जर्मिनेशन करने में। तो थोड़ा सा पेशेंट रहिए और रेगुलर इसकी वाटरिंग करते रहिए, मिट्टी इसकी सूखनी नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों के यहाँ काली मिर्च का पौधा घर में ऑलरेडी लगा हुआ है उनको भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर गर्मियों में आपके यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता हो तो आप हमेशा काली मिर्च के पौधे को छाया में रखिए। या तो आप किसी बड़े पेड़ या पौधे की छाया में इसको रख सकते हैं या फिर आप इसे ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट से बचिए, वरना इस पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ेंगी और पत्तियाँ जो हैं वो क्रैक होने लगती हैं।
इसके बाद दोस्तों इस पौधे को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट का ही पौधा है ये, तो इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी में से रेगुलर आप वाटरिंग करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों एक वाइनिंग वैरायटी का पौधा है, इसकी बेल बनती है, तो आप इसे किसी अगर आपके यहाँ पेड़ घर में लगा हुआ है, कोई आपके गार्डन में पेड़ लगा हुआ है, तो आप उसके सहारे भी इसको लगा सकते हैं उसकी छाया में, तो ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ फिर अच्छे फ्रूट्स वगैरह भी दे सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन काली मिर्च के पौधे के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।